अरे गोपाल प्रसाद, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? क्या बताऊं सीताराम, कोरोना महामारी के चलते मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान बंद हो गई। क्या, तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान बंद हो गई? हाँ सीताराम, और तो और मेरे भाई की दुकान भी बंद होने वाली है। कोरोना महामारी के कारण दुकान का कर्ज ना चुकाने के कारण दुकान के मालिक ने उसे दुकान खाली करने के लिए भी बोल दिया है। काल प्रसाद भाई, ये तो बहुत बुरा हुआ। इस महामारी के कारण कई लोगों के कामकाज बंद हो गए हैं। सीताराम, हमने तो सुना था कि कोरोना के चलते हमें सिर्फ हाथ ही धोने हैं, पर लोगों ने तो इस कोरोना महामारी से अपने कामों और अपनी जान से भी हाथ धो लिए हैं। भाई ये तुम सही कह रहे हो, लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, पर तुम रो मत, भगवान सब सही करेंगे। अब मैं अपने भाई की दुकान के मालिक से बात करने जा रहा था कि मेरा भी काम बंद हो गया है और पूरे घर में सिर्फ मैं और मेरा भाई ही कमाते हैं। अगर आप भी दुकान खाली करने के लिए कह देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हाँ भाई, जाओ जाओ, भगवान सब पर कृपा करे। सीताराम भाई, अब मैं चलता हूँ। गोपाल प्रसाद भाई, तुम अपना और अपने परिवार का ख्याल रखो। हाँ सीताराम, तुम भी अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। है भगवान सब पर कृपा कर।